हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीकेंड व्लॉग। तो काफी टाइम के बाद में हम लोग ना आपके साथ में वीकेंड व्लॉग शेयर कर रहे हैं। काफी दिन हो गए थे हम लोग वीकेंड पर ना कहीं गए नहीं थे घूमने के लिए, क्योंकि बीच में दिवाली आ गई थी, उससे पहले करवा चौथ आ गए थे, सारे फेस्टिवल आ गए थे ना, इसलिए आज हम हिल्स पे जा रहे हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऑल्सो आपको थंबनेल देके पता लग गया होगा। तो चलिए चलते हैं, दोपहर हो गई है, पहुंचने में हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सो गाइज, इनको देखो एकदम क्लीन शेव करा के आई और मुझे बोल रही मुझे वीडियो में दिखाना मत दिखाना। लड़की लग रहे हो आज आप। दिखाओ ना, थोड़ा सा दिखाओ, देखो ऊपर ऊपर। हंसना नहीं है इनको देख के आज किसी को भी। और 2.5 घंटे के बाद में हम लोग मंदारगिरी पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वहाँ पर ऊपर तक पहुँचना है अभी तो। और यहाँ पर ना कार पार्किंग का 10 रुपीज़ चार्ज लगता है, बाकी यहाँ पर किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है तीनों मंदिर में एंट्री। और यहाँ पर आप देखिए, पहले हम लोग ना इस वाले मंदिर में जाने की सोच रहे थे, हमने सोचा ऊपर बाइक लेके चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी और बाइक आप ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पर ना एक लेक भी है मंदिर के पीछे की साइड में। तो हम लोगों को क्या हुआ ना कि हम लोगों के ना कपड़े गंदे हो गए थे रास्ते में, हमें थोड़ा कीचड़ मिल गया था रास्ते में। तो हम लोग ना पहले अपने कपड़े क्लीन करने के लिए यहाँ पर आ गए थे लेक के पास में, फिर हमने सोचा ऊपर मंदिर बाद में जाएंगे, पहले सारे कपड़े वगैरह पैर हाथ सब क्लीन कर लेते हैं। अगर आप बेंगलोर या फिर बेंगलोर के आसपास कहीं पर रहते हैं तो आप एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं सैटरडे या फिर संडे वन डे की, तो आप लोग ना यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, एकदम शांति वाली जगह है और एकदम देखने लायक जगह भी है। तो हम लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली जगह। फिर मनोज को ना यहाँ से नारियल पानी पीना था तो उन्होंने पहले नारियल पानी पिया। केवल टेंपल के लिए चप्पल तो बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, मैंने तो फोल्ड किया है, फोल्ड ले पकड़, मैं भी फोल्ड रहा हूँ। सहेली ऊपर देखो। लेक से वापस आने के बाद में हम लोग सबसे पहले गए थे पीची टेंपल में। तो यहाँ पर एक ही स्टेचू वाला टेंपल है और उसके साइड में वो पीची टेंपल है। और यहाँ पर ना किसी भी टाइप का चार्जेस नहीं लगता है, एकदम फ्री है। और ये एक जैन मंदिर है, यहाँ पर आपको 3 मंदिर मिलेंगे, बेसिकली ये सारे ही जैन है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे जैन लोगों के जो भगवान या फिर जो गुरुजी होते हैं ना, उन्हीं की यहाँ पर ये स्टेचू बनाया गया है और उन्हीं के बारे में सब कुछ बताया गया है। यहाँ आने से पहले ना हम जो यहाँ का मेन मंदिर है ना, जो हिल्स पे है, वहाँ जाने का सोच रहे थे बाइक लेकर वहाँ पर हम लोग वहाँ पर गए नहीं थे। हमने कहा हमें सीढ़ियों से ही जाना है, बाइक से नहीं जाना है। और ये आप देखिए, ये बंद हो रखा है यहाँ का ये फाउंटेन। और फिर ना हम लोग यहाँ पे आगे पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसके बाद में हम उस मेन मंदिर में जाएंगे। और वहाँ पर ना टोटल 450 सीढ़ियाँ बनी हुई है, उनको हमें चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और तो हम वहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, पहले ये 2 मंदिर देख लेते हैं उसके बाद में हम जाएंगे। स्टेचू को देखने के बाद में हम लोग गए पीची टेम्पल में। और ये रास्ता ना स्टेचू के पास से ही निकलता है, तो आप ये देखिए कि ये पीची टेम्पल कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये पीछे टेम्पल ना ये मोर पंख से बनाया हुआ, इन गुरुदेव के हाथ में एक पंखा होता है और सेम उसी के जैसा ना ये टेम्पल बनाया गया है, जैसे वो पंखा होता है ना वैसा का वैसा। और ये अंदर से मंदिर है और अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने इतना सा ही शूट किया था। ये वाला टेंपल देख लिया, जैन मंदिर था ये, अभी हमें वो जो पहाड़ी पे बना है हिल्स पे वो वाला देखना है। मैं आगे वाला जैन मंदिर है ना, 3-2 देख लिए, एक वो और बचा है। अभी हमें वो वाला जो टेंपल है सबसे ऊपर पेड़ बना है, वो सीढ़ियां चढ़ के वहाँ पे जाना है हमें। सो गाइज, हमें अभी यहाँ से ये सारी सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर टॉप पे जाना है। वहाँ पे देखो वो पेड़ सा बना हुआ है ना, वहाँ पे जाना है। और इधर आप देखिए आम के कितने सारे पेड़ है। और ये वाला मंदिर देखे ना, हमें हमारे गांव की याद आ गई। वहाँ पे ना हमारे गांव के पास में डूंगर बालाजी का मंदिर है, उस मंदिर की याद आ गई हमें इन सीढ़ियों को देख के और इस मंदिर को देख के। तो अभी हम लोगों को एकदम ऊपर तक जाना है। ओ भाई, चढ़ते चढ़ते थक गए हैं, तो फिसल जाएगी साइड से सीढ़ियों पे। आ सीढ़ियों पे, उधर से फिसल के नीचे चली जाएगी फिर से। अरे यार, अभी तो उतना दूर जाना है, यहाँ से साइड का व्यू कितना मस्त दिख रहा है। तो यहीं पहुंचे अभी, थक गए हम लोग। आइए आइए, थकना मना है। यहाँ पे हम खाना खाने थोड़े आए हैं, घूमने के लिए आए हैं।
क्या हुआ? थोड़ा सा और बचा है बस। सांस को ना। बीस सीढ़ियाँ और बची है। मुझे तो सब गया, दो सौ हम अभी वहाँ से आए थे ना। अभी वहाँ से आए तो वहाँ वापस नीचे जा रही है। हम लोग कहाँ से आए? बहुत दूर से है। और ये वाला मेन मंदिर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्स के लिए पार्किंग है, अगर जो ऊपर कार या बाइक्स लेके आते हैं ना उनके लिए, और उधर से साइड में रास्ता भी निकलता है। और ये वाला जो पेड़ है ना, ये पेड़ आर्टिफिशियल है, मतलब नकली है, ये रियल पेड़ नहीं है, बस यहाँ पर ये अट्रैक्शन के लिए से बनाया गया है। यहाँ पर आप ये नीचे देखिए, और यहाँ से आप देखिए कितना बढ़िया है, और वहाँ पर एक लेक भी है, पहले वहाँ पर जाके आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर में आए थे हम लोग घूमने के लिए, और यहाँ पे अपना बिस्किट और भुजिया लेके बैठ गए हैं। क्यों भाई, भूख लग गई आपको? मैं क्या बोल रहा था, जब तो बाइक पे बैठे रहते तो नींद आती है ना ऐसे, थोड़ी सी आंखें बंद हो गई तो गिर सकती है नीचे। वो दूसरी बात है, अभी आप क्या कर रहे हो ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। ओके नहीं, मुझे नहीं खाना है, भुजिया नहीं पसंद मुझे। लो चलो, रात होने वाली है, चलते हैं। देखो 6 बजने वाली है। क्लोज हो गया, ये ओपन नहीं है ये मंदिर, हमें पता ही नहीं था इधर एक मंदिर और है, हम अभी आए हैं और ये क्लोज हो गया मंदिर। पहले हम लोगों को पता ही नहीं था इधर एक मंदिर और है, हम इधर उधर की साइड में 10-15 मिनट ऐसे ही बैठे थे, अभी इधर जाएंगे। ओ, मंदिर का फेस किधर है ये? तो फाइनली हमें मंदिर का एंट्री गेट मिल ही गया, तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर ना इस टाइप के ना 4 मंदिर बने हुए हैं ये भगवान के, इस टाइप से आप एक तो ये वाला हो गया, और ऐसे आगे 3 और मिलेंगे आपको, तो आराम से दर्शन करके शांति से एकदम चुपचाप जाना होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं करना होता है, सब जगह लिखा होता है कीप साइलेंस कीप साइलेंस, सो सब लोग चुपचाप जाते हैं अपने दर्शन करके वापस आ जाते हैं। और हमारे में क्या होता है, कितने ज़्यादा लोग शोर करते हैं, कितने ज़ोर से बातें करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना चढ़ के आए थे उतना ही वापस आया, उतरते टाइम इतना जोर नहीं आएगा। अभी हम लोग वापस जाएंगे घर। आप ये देखिए, अभी रात हुई नहीं है, पूरा आपका यहाँ का व्यू देखिए। अभी बताइए, अभी शाम के 6 बजे मंदिर कैसा लगा आपको? मंदिर अच्छा था, अच्छा था, मतलब मंदिर एक बार आने लायक था, ऐसा नहीं कि बार बार ऐसे देखने आ सकते हैं, वन टाइम के लिए अच्छा है, देख लो व्यू अच्छा है यहाँ का, क्योंकि ये जैन मंदिर है ना, तो यहाँ पर एकदम ऐसे शांति शांति रहती है, तो लगता है एक बार ही हम यहाँ पे आ सकते हैं, पर मंदिर अच्छा था। तो अभी हम लोग वापस घर जाएंगे मंदारगिरी से। सो अभी हम रास्ते में कुछ खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और सुबह घर से जल्दी निकले थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि जितना टाइम हमें पहुंचने में लगा था ना, उससे ज़्यादा टाइम हमें अभी घर पहुंचने में लगेगा। तो यहाँ पर हम यूडूपी में रुके थे कुछ खाने के लिए, तो मनोज तो हमेशा की तरह अपनी इडली लेकर बैठ गए हैं, इनको तो इडली समझ में आती है, और मेरे लिए डोसे का ऑर्डर किया था शायद, तो वही उन्होंने ऑर्डर किया था अपने पसंद का। तो फिर हम यहाँ से अपना ये थोड़ा बहुत खा के फिर घर के लिए निकलेंगे। ये मेरा मंगाया प्याज वाला डोसा।
नो आपकी इडली है बोरिंग सी, मेरा है प्याज ओनियन रवा ओनियन डोसा।